student of Muslim Minority College, Bharatpur. मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एमएम कॉलेज भागलपुर से प्रोफेसर अबू रेहान अहमद बोल रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास आपका लिया जा रहा है, उसके लिए आप लोग प्रीपेयर्ड रहे हैं, आप लोगों को नंबर दे दिया गया है, उसी नंबर पर आप बातचीत करेंगे। आज का विषय हमारा है एरी टोपोग्राफी। एरी टोपोग्राफी का अर्थ ये होता है के हवा द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। जब मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं प्रवाहित होती हैं तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का सृजन करती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शब्द एरिड उस शब्द को कहते हैं जिस प्रदेश में 20 इंच से वर्षा कम हो और सूर्य की प्रकाश उस पर सीधी परखर पड़ती हो, वहां पर अत्यधिक ताप के कारण शिलाएं विखंडित हो जाती हैं और विखंडन होने के कारण वो छोटी छोटी बालू के कणों में परिणत हो जाती हैं। तो हवाएं तीन प्रकार का काम करती हैं। सबसे पहला काम कि वो अपरदन का करती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इरोजन कहते हैं। दूसरा काम परिवहन, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और तीसरा काम डिपोजिशन, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हवा के अपरदन से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का सृजन होता है। तो अपरदन भी तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहला जिसे हम एब्रेशन कहते हैं, दूसरा कोरेशन है और तीसरा डिफ्लेशन। एब्रेशन का मतलब होता है अपघर्षण। बड़ी बड़ी शिलाएं जब हवा के प्रभाव से लुढ़कती हुई आगे बढ़ती हैं तो अपने मार्ग में पड़ने वाली विभिन्न छोटी छोटी शिलाओं को विखंडित कर देती है। और जब वह हवाएं किसी स्थल खंड पर सीधा प्रहार करती है तो वहां विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जब हवाएं तीव्र गति से चलती हैं तो वो हरिकेन जैसा स्थिति तैयार करती है और वहां पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का सृजन करती है। जब हवाएं तीव्र गति से चलती हैं और बिल्डिंग करती हुई घूमती हुई चलती है तो उस क्षेत्र में वहां पर वो छोटे छोटे खड्ड बना देते हैं। उन खड्ड को ज्योग्राफी की भाषा में ब्लो आउट्स कहते हैं। तो ब्लो आउट्स के माने होते हैं वात गर्त, हवा से बनने वाले खड्ड। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है सहारा मरुस्थल में कतारा वात गर्त, जिसकी गहराई 420 फुट। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 420 फुट की गहराई एक हवा के द्वारा बन जाती है। और दूसरी स्थलाकृति इसी प्रकार की है कि वहां पर वो अब जब हवाएं सीधी टक्कर लेती है तो वहां पर एक खड़े चट्टानों पर जब प्रहार करती है तो नीचे की जो आधार तल की शिलाएं होती हैं यथावत रह जाती हैं। मगर जैसे जैसे वो ऊपर होती जाती है, हवाओं का प्रहार तीव्र होता है और बीच की शिलाएं कट करके बिल्कुल पतली हो जाती है और ऊपर एक छत्र के जैसा आकृति बना लेती है, जिसे हम छत्रक शिला कहते हैं। सबसे पहला जैसे हुआ ब्लो आउट और दो नंबर में बता रहा है मशरूम रॉक। तो ये मशरूम रॉक जो है इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। ये आधार तल पर उसका जो है दबाव कम होता है और मध्यवर्ती क्षेत्र पर दबाव ज्यादा पड़ने के कारण वहां पर शिलाएं जो है कुछ ज्यादा गिर जाती हैं और ऐसी स्थिति को हम लोग मशरूम रॉक कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में छत्रक शिला कहते हैं।
और तीसरी आकृति इसी तरह की होती है जिसे हम लोग तीसरी आकृति का नाम है जुगेन। जुगेन ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है इंक पॉट। वो ऐसी स्थिति चट्टानों की बन जाती है कि ऐसा लगता है कि वो इंक पॉट के जैसा है, दबाव के जैसी आकृति बन जाती है। ऊपर की शिलाएं कुछ कम करती हैं, बीच की शिलाएं ज्यादा करती हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र की शिलाएं बहुत कम कट पाती है, इसलिए कि वो धरती के नीचे चली जाती है और फिर आधार तल उसका चौड़ा होता है और वो देखने में आधार तल से ऊपर तक देखने में वो एक दबाव के जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम हम लोग वो ज्योग्राफिकल भाषा में जुगेन कहते हैं। तीसरी चीज जुगेन के साथ एक होता है अब यारदान। यारदान क्या है?